सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज अपने चित्रकूट में जो वाल्मीकि जी का आश्रम था लालापुर में यहाँ पधार रहे हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ इसी पर्वत पर रहकर तपस्या किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संत हैं और संतों के प्रति उनका चूँकि बहुत सुहृद भाव रहता है, इसलिए वो यहाँ पधार रहे हैं और इसी बहाने वो समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज को संतों का आदर करना चाहिए और महर्षि वाल्मीकि के स्थान का के विकास के लिए भी उन्होंने 1 करोड़ से अधिक रुपया दिया है, जिससे इस पर्वत पर जो उनका स्थान है उसमें रेलिंग लगाई जाएगी, स्टेट बनाया जाएगा, लाइट लगाई जाएगी और भी बहुत से काम किए जाएंगे। उसी के आयोजन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं, वो पूजन भी करेंगे उनकी मूर्ति का, वाल्मीकि रामायण का भी शुभारम्भ करेंगे और साथ में यहाँ उपस्थित हमारे जो बंधु हैं उनको संबोधित भी करेंगे। आज देश के इतिहास में पहली बार कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ इस वाल्मीकि जयंती के मौके पर वाल्मीकि आश्रम लालापुर में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर और इस सावरी माता के इस स्थान पर पधार रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि आज़ादी के इतने दिनों तक कोई भी इस चित्रकूट की इस धरती का पुरसा हाल देखने वाला नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आज 6वीं बार इस चित्रकूट की धरती पर पधार रहे हैं और माँ सावरी माता के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, ऊपर पर्वत श्रृंखला पर जाएंगे, वहाँ जहाँ माता सीता मैया का अभी भी रसोई बनी हुई है, लवकुश का जन्म जहाँ हुआ था, ऐसे स्थल पर वो पधार करके आज इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। मैं उनका नमन वंदन स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। आज्ञा का पालन करना तो था ही, लेकिन राम राज्य की
आधारशिला का श्री गणेश करने के लिए भी चित्रकूट निकाल होता है। यही तो राम राज्य है, जहां पर व्यक्ति व्यक्ति में भेद न हो, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न बतौर नस्ल के आधार पर, न किसी भी प्रकार से हम सामाजिक भेदभाव के आधार पर कोई किसी प्रकार की कोई किसी के साथ कोई भेदभाव कर सके। ज्यादा तो फट जाता है। सबका साथ सबके विकास का भाव जहां पर निहित हो, और यही मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको 2014 में दिया। आज हम सब कार्य कर पा रहे हैं, यहां पर कुल जाति के अपने बंधुओं के बीच में काम कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज हर गरीब के घर में शौचालय बन जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज हर गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।